हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक पैसेज लेके आए हैं जिसे आपको सबसे पहले अच्छे से समझ लेना है और उसके बाद आपको खुद ही इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि मैं सुबह होते ही घर से टहलने निकला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे सुबह होते ही के लिए हम क्या लिख सकते हैं। सुबह होते ही के लिए हम लिख सकते हैं कि एट द ब्रेक ऑफ डॉन, या फिर हम लिख सकते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह होते ही के लिए हम यहाँ पे एट द ब्रेक ऑफ डॉन का यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह होते ही। अब यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। मैं घर से टहलने निकला की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई स्टार्टेड, मैं निकला। अब घर से के लिए फ्रॉम होम, आई स्टार्टेड फ्रॉम होम, मैं घर से निकला। अब टहलने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फॉर अ वॉक, जो कि एक फ्रेज होता है, एक साथ ही यूज होता है हमेशा, फॉर अ वॉक। अगर हम टू व्हीलर से जा रहे हैं तो फॉर अ राइड हो जाएगा, अगर फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो फॉर अ ड्राइव हो जाएगा, बट अगर हम पैदल टहलने जा रहे हैं तो वहाँ पे फॉर अ वॉक का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस हमारा हो गया कि एट द ब्रेक ऑफ डॉन आई स्टार्टेड फ्रॉम होम फॉर अ वॉक, मैं सुबह होते ही घर से टहलने निकला। सबसे पहले सुबह होते ही के लिए हमने यहाँ पे लिखा एट द ब्रेक ऑफ डॉन। अब उसके बाद मैं निकला की अंग्रेजी आई स्टार्टेड, घर से फ्रॉम होम, किस लिए, टहलने, फॉर अ वॉक। इस प्रकार से इसको हमने ट्रांसलेट किया। अब इसके बाद देखते हैं तभी सड़क पर किसी ने छींक दिया। तभी के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देन का यूज कर सकते हैं, या फिर एट दैट टाइम का हम यूज कर सकते हैं। एट दैट टाइम अर्थात उसी समय, एट दैट टाइम उसी समय सड़क पर किसी ने छींक दिया। किसी ने की अंग्रेजी हो जाएगी समवन या समबडी, किसी ने की अंग्रेजी समवन या समबडी, और छींक दिया, यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो स्नीज मींस होता है छींकना, और इसका सेकंड फॉर्म हमें यूज करना होगा समवन स्नीज्ड। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि कोई भी पैसेज ट्रांसलेट करते समय सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एट दैट टाइम यानी उसी समय समवन स्नीज्ड, किसी ने छींक दिया सड़क पर। इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन द रोड या फिर ऑन द वे का यूज कर सकते हैं। तभी सड़क पर किसी ने छींक दिया यानी कि एट दैट टाइम या फिर एट दैट वेरी टाइम। अगर हम इस पे और ज्यादा फोकस करना चाहते हैं कि तभी, और अगर स्ट्रेस डालना चाहते हैं वहां पे, तो हम यहाँ पे वेरी का भी यूज कर सकते हैं कि एट दैट वेरी टाइम समवन स्नीज्ड ऑन द रोड, किसी ने सड़क पर छींक दिया, या फिर ऑन द वे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ा, जैसे ही के लिए हम यहाँ पे केवल एज का यूज कर सकते हैं, या फिर एज सून एज का भी यूज किया जाता है। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एज आई मूव्ड, बढ़ा के लिए यहाँ पे मूव का यूज कर सकते हैं, मूव्ड, और आगे के लिए अहेड। एज आई मूव्ड अहेड यानी कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा। अब इसके बाद क्या हुआ, एक काली बिल्ली सड़क पर दौड़कर मेरा रास्ता काट गई। यहाँ भी देखा जाए लास्ट में ई आया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो रास्ता कौन काट गई, एक काली बिल्ली, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है एक काली बिल्ली यानी कि अ ब्लैक कैट। अब सड़क पर दौड़कर मेरा रास्ता काट गई, इसमें देखा जाए तो कर आया हुआ है, दौड़कर। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि दौड़कर मेरा रास्ता काट गए, या फिर उसने एक पत्ता तोड़कर उसे नदी में गिरा दिया, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं कि उसने एक पत्ता तोड़ा और उसे पानी में डाल दिया, तोड़ा और पानी में डाल दिया, यानी कि वह सड़क पर दौड़ी और मेरा रास्ता काट गई। इस प्रकार से हम सेंटेंस को तोड़ के उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अ ब्लैक कैट रैन, दौड़ी टू द रोड यानी कि सड़क की ओर दौड़ी, टू द रोड, और मेरा रास्ता काट गई। और के लिए यहाँ पे हम एंड का यूज कर सकते हैं, एंड क्रॉस्ड माय वे, रास्ता काटना की अंग्रेजी यहाँ पे क्रॉस का ही यूज करेंगे, एंड क्रॉस्ड माय वे, और मेरा रास्ता काट गई। अगर हम चाहते थे इसको पार्टिसिपल का भी यूज करके बना सकते थे इस प्रकार से,
कि एज आई मूव्ड अहेड, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अ ब्लैक कैट रनिंग टू द रोड, यहाँ पे हम सीधे रनिंग टू द रोड का यूज कर सकते थे, अ ब्लैक कैट रनिंग टू द रोड क्रॉस्ड माई वे, इस प्रकार से भी इसको हम बना सकते थे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से। बट ये थोड़ा इजी तरीका है। फिर जैसे हम कह सकते हैं कि उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाकर उन्हें एक एक रुपया दिया, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो अगर इसको हम सेपरेट कर देते हैं कि उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उन्हें एक एक रुपया दिया, अब इसको ट्रांसलेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको ट्रांसलेट किया, इसको सेपरेट करके। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, तो इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, अर्थात ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट, आई एम नॉट, और अंधविश्वासी की अंग्रेजी सुपरस्टिशियस होता है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं आई एम नॉट सुपरस्टिशियस, आई एम नॉट सुपरस्टिशियस, यानी कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि ईश्वर में मेरा पूरा विश्वास है, ईश्वर में मेरा पूरा विश्वास है, यानी कि आई हैव फर्म फेथ, मेरा पूरा विश्वास है। यहाँ पे हम इस तरह से इसको बनाएंगे कि आई हैव फर्म फेथ, पूरा विश्वास का मतलब दृढ़ विश्वास, तो फर्म का यहाँ पे यूज कर सकते हैं फेथ के पहले। आई हैव फर्म फेथ इन गॉड, मेरा ईश्वर में पूरा विश्वास है। आई हैव फर्म फेथ इन गॉड। अब इसके बाद है प्रतिदिन की भांति मैं टहलकर वापस आ गया। प्रतिदिन की भांति का क्या मतलब है कि पिछले दिनों की तरह, प्रतिदिन की भांति का मतलब पिछले दिनों की तरह, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एज एज द प्रीवियस डेज, एज द प्रीवियस डेज, पिछले दिनों की तरह मैं टहलकर वापस आ गया। आई रिटर्न या फिर आई केम बैक, आई केम बैक, मैं वापस आ गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का था इसलिए कम का सेकेंड फॉर्म यूज किया। तो अब इसके बाद है टहल कर, टहल कर का मतलब क्या है, आफ्टर वॉक, टहल कर के लिए आप हम लिख सकते हैं आफ्टर वॉक, मैं टहल कर वापस आ गया। अब इसके बाद लास्ट सेंटेंस हमारा है मेरा कोई अनिष्ट नहीं हुआ। मेरा कोई अनिष्ट नहीं हुआ का मतलब क्या है कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तो कोई अनिष्ट की यहाँ पे सीधे अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि नथिंग इल, नथिंग इल, इसको हम यहाँ पे आपको बता देते हैं एक सेंटेंस, मेरा कोई अनिष्ट नहीं हुआ के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नथिंग इल, नथिंग इल का मतलब हो गया कोई भी अनिष्ट नहीं। अब हुआ, हुआ के लिए यहाँ भी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हैपेंड, हैपेंड का सेकंड फॉर्म हैपेंड, मेरा के लिए यहाँ पे टू मी का यूज करेंगे, नथिंग इल हैपेंड टू मी, मेरा कोई अनिष्ट नहीं हुआ, इसको हम ऐसे बनाएंगे कि नथिंग इल हैपेंड टू मी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इस पूरे पैसेज को ट्रांसलेट करेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आप खुद से इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। और फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको कुछ अलग तरीके से भी बना सकते हैं सेंटेंसेस को, एक सेंटेंस को बनाने का कई तरीका होता है, अगर आप कुछ अलग तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।